योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 30 दिन पूरे होने पर प्रयागराज के लोग क्या सोचते हैं, आइए आपको दिखाते हैं प्रयागराज से संवाददाता मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आज एक महीना पूरा हो गया है। 30 दिनों का कार्यकाल कैसा रहा, सरकार जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरी, 30 दिनों की प्रमुख उपलब्धियां क्या रही और कौन कौन से ऐसे काम हैं जिनमें, कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिनमें और सुधार किए जाने की जरूरत है, इस बारे में बात करते हैं संगम नगरी प्रयागराज में मौजूद लोगों से। सबसे पहले आप ये बताइए, आधी आबादी के लिए पूरे 30 दिन के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? मुझे जहाँ तक लगता है, जब से सरकार आई है तब से देखिए इम्प्रूवमेंट होने शुरू हो गए हैं। और जैसा कि लोगों का कहना है कि महंगाई या जो भी चीज़ें, जो भी मुद्दे, तो कोई भी चीज़ अगर ख़राब हुई है तो उसको सुधारने में थोड़ा समय लगेगा और इसमें हमें सहयोग करना चाहिए अपनी सरकार का। जब हम सहयोग करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और तभी चीज़ों को आगे ले जा पाएंगे। तो सरकार ने तो शुरुआत कर दी है अपनी। अब आप देखिए जितने माफिया वाफिया थे खुद ही सरेंडर कर रहे हैं कि उनका इनकाउंटर ना हो। अगर महिला सुरक्षा की बात करें तो मानते हैं कि उसमें सुधार हुआ है? 100% सुधार हुआ है, बिल्कुल सुधार हुआ है। आज देखिए हम लोग आराम से जा रहे हैं, रात बिरात में निकलते हैं तो कहीं डर नहीं लगता हमको निकलने में, तो इम्प्रूवमेंट हुआ है ना कहीं ना कहीं। आप बताइए कि कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिनमें और काम किए जाने की ज़रूरत है, लगता है कि अभी उतना काम नहीं हुआ, उतना फोकस नहीं हुआ? बेरोजगारों की संख्या काफ़ी बढ़ रही है, तो यही एक एरिया ये है। अब कुछ कर्मचारी जिनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी नहीं हो रही है, तो इन क्षेत्रों में अगर कार हो जाए तो मुझे लगता है सरकार बहुत अच्छी तरीके से मतलब काम। क्या लगता है कि कौन सा वो सेक्टर है जिसपे सबसे ज़्यादा फोकस हुआ है, लगता है कि बहुत अच्छा काम हुआ है इस क्षेत्र? देखिए आपको भी दिखता होगा लॉ एंड ऑर्डर पे कितना बहुत बड़ा काम हुआ। इसकी जो पिछली सरकार थी, 5 साल की जो हमारी सरकार थी, चाहे वो गुंडा मावली जितने भी रहे जिन्होंने ज़मीनें कब्जा रखी थी, अवैध कब्जा जमीन, चाहे वो सरकार की ज़मीन हो चाहे किसी और की ज़मीन हो, आम आदमी की ज़मीन लोगों ने कब्जा रखी थी, उससे उन्होंने छुड़ाने का काम किया है। उस पर उन्होंने जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए बहुत बढ़िया उन्होंने बिल्ड। इस दिन के कार्यकाल को बेहतरीन, एकदम बेहतरीन, और आगे भी अच्छा रहेगा। मुझे तो उम्मीद है कि ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए। और यूपी सरकार के 30 दिन पूरे होने पर यूपी के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने दावा किया कि वनों को केरल की तरह विकसित करेंगे और नेचुरोपैथी को बढ़ावा देंगे। जयवीर सिंह हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, अगर बात करें तो एक महीने आज सरकार के शपथ ग्रहण को पूरा हो गया, क्या उपलब्धि रही है आपकी एक महीने में? उत्तर प्रदेश सरकार 17 से 22 तक योगी बन के रूप में चली, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 5 साल की बेहतर परफॉर्मेंस के आधार पर ही योगी 2 का जनादेश मिला। बेहतरीन जनादेश, ऐतिहासिक जनादेश। अब हम लोगों का कंपटीशन यह है कि योगी 1 और योगी 2 बेहतर परफॉर्मेंस दे करके योगी 1 से आगे निकलने का काम करना है। निश्चित रूप से हमारे जो एक महीना आज शपथ को हो रहा है, हम लोग हर क्षेत्र में चाहे वो किसी विभाग की उपलब्धि के लें, हम लोग पूरा रोड मैप बना चुके हैं, काम शुरू कर चुके हैं और तमाम निर्णय भी लेने का काम कर चुके हैं। क्या आप ऐसा सोच रहे हैं क्या कि हर जिले में सांस्कृतिक ग्राम में बनाने की ओर आप आगे बढ़ें, जिससे कि जो पुरानी विरासत है, पुरानी संस्कृति है, वो वापस आए? देखिए हर जिले में एक गाँव तो निर्णय हम ले ही रहे हैं, वो प्लानिंग में है, लेकिन साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं गाँव से लेके जिले तक स्थापना दिवस मनाएं, गाँव का कोई शहीद हुआ उसके नाम पे, उसके जन्मदिन के नाम पे, उसके किसी अवसर के नाम पे एक स्थापना दिवस हर गांव का, जो भी वहाँ एक कार्यक्रम जब मनाएंगे स्थापना दिवस होगा तो बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम। हम लोग कल्चर भी की मदद करेंगे उस गांव के सहयोग से, उस गांव सभा के सहयोग से, कल्चर डिपार्टमेंट के सहयोग से एक एक गाँव तक ले जाएंगे। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह जी, जिनका कहना है कि आने वाले समय में संस्कृति ग्राम को विकसित किया जाएगा, जिसमें जो भारतीय संस्कृति है उसको बढ़ाने के उद्देश्य से उस ग्राम में पहनावे से लेकर खान पान से लेकर भारतीय संस्कृति विरासत की होगी, जिससे कि लोग अपने मूल से जुड़ सकें। दर्शन विपिन के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा।